टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। जीएसटी छापों से परेशान व्यापारियों के समर्थन में मायावती बोली, सरकार की गलत नीतियों की वजह से आंदोलन करने को मजबूर हैं व्यापारी। आगरा में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, दमकल की 6 गाड़ियों में पाया काबू। छह साल की पुलिस सर्विस के बाद डॉग नीलाम, तमिलनाडु में 6 महीने ट्रेनिंग ली, मथुरा आरपीएफ में तैनाती मिली, 10,000 सैलरी थी। नोएडा में लोगों का गोल्फ खेलने का इंतजार होगा खत्म, नया गोल्फ कोर्स दिसंबर 2023 में बनकर होगा तैयार। अलीगढ़ में 700 रुपए के लिए दुकानदार को मारी गोली, उधारी के रुपए मांगने पर भड़का आरोपी, संदिग्ध साथियों के साथ हुआ फायरिंग। लखनऊ में सराफा को गन पॉइंट पर लूटा, कनपट्टी पर पिस्टल लगाई, चाकू के बैग काट लिए, 10 लाख के जेवर लेकर हुआ फरार। व्यापारी अपहरण, फिरौती मांगने वाले दरोगा सिपाही सस्पेंड, 4 लाख रुपए के लिए किया था अपहरण, जिस दरोगा पर आरोप। ट्रैक्टर में फंसकर 10 मिनट तक घसीटता रहा बाइक सवार, बरेली के कैंट का हादसा है, ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर ड्राइवर हुआ फरार। बिजली मीटर में खेल करने वाले उपभोक्ता भी रडार पर, एसटीएफ ने बिजली विभाग से ऐसे उपभोक्ताओं की लिस्ट मांगी है। महुआ में सड़क हादसे में मामा की मौत, भांजा घायल, अज्ञात वाहन से बाइक में मारी थी टक्कर, घर से बगरौनी जा रहे थे दोनों। डॉग की तरह भौंकने लगा मासूम, 1.5 महीने पहले कुत्ते ने काटा था, घर पर नहीं बताया, अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद हुई ये मौत। वाराणसी में अगले साल अगस्त में होगी G20 की बैठक, डिप्टी सीएम केशव ने बताया कि 4 दिवसीय सम्मेलन में शामिल होंगे विदेशी राष्ट्राध्यक्ष। फिरोजाबाद में खाई में गिरी बस, 6 यात्रियों की मौत, 21 घायल, लुधियाना से जा रही थी रायबरेली। बहराइच में 70 लाख की चरस बरामद, भारत नेपाल सीमा से महिला गिरफ्तार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। बीएचयू ने 5 रिसर्चरों को किया निलंबित, उमंग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में हुई थी तीखी झड़प, अब शब्द बोलने पर हुई कार्रवाई। बरेली में पिल्लों की पूंछ कान काटकर खा गए युवक, प्रदर्शकों ने बोले, 2 पिल्लों को पकड़कर ले गए, शराब पीने के बाद खाए गए मांस। मेरठ में मानसिक दिव्यांग की पीटकर हत्या, 2 भाइयों के विवाद में हंसने की मासूम को मिली सजा। रायबरेली में लगी भीषण आग, दुकान पर रखे छप्पर में अराजक तत्वों ने लगाई आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, आरोपियों की तलाश में शुरू। अमरोहा में स्कूटी निकालने को लेकर 20 सड़क पर मारपीट, पुलिस कर्मी के सामने भी नहीं रुके, सिपाहियों ने दोनों को हिरासत में लिया। एक्शन में नोएडा पुलिस कमिश्नर, 60 पुलिस कर्मियों के इंटरनल ट्रांसफर, इसमें 43 सब इंस्पेक्टर शामिल।
बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी, 17 कनेक्शन काटे। DVVNL की टीम ने सिकंदरा क्षेत्र में की है चेकिंग, सर्वेलेंस टीम की रही साथ। प्रयागराज के किसानों को बड़ा तोहफा, जनवरी से शुरू होगा जैविक उत्पादों का प्रदेश में पहला बाजार। सर शहरी ऐप में मांग सकेंगे हरी और ताजा सब्जियां। पीलीभीत में फांसी के फंदे से लटकता मिला युवक का शव, देर रात फार्म पर 200 मीटर दूर खड़ी मिली बाइक, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में स्कूली बच्चों के लिए सीओ की पाठशाला, डॉक्टर अनूप ने छात्राओं को समझाया कोई परेशान करे तो कैसे लें पुलिस से मदद। सीतापुर में प्रधानिधि की दबंगई सामने आई है, हैंडपंप रिबोर को लेकर की शिकायत, पुलिस पर शिकायतकर्ता का चालान करने का आरोप। गाजियाबाद में कुत्तों को लेकर हुआ विवाद, डॉग लवर पशु प्रेमी और विरोधी आए आमने सामने। कानपुर में दूल्हे का एक हाथ न होने पर शादी से किया इनकार, बराती और घरातियों में जमकर चले ईंट पत्थर, पुलिस दोनों पक्षों को लाई थाने। लखनऊ में राजू श्रीवास्तव के नाम पर चौराहे का हुआ लोकार्पण, लोकार्पण में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, मेयर सयुद भाटिया रहे मौजूद। रायबरेली में दबंगों ने युवती को जमकर पीटा है, दबंगों द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फरखाबाद में कायमगंज विधायक डॉक्टर सुरवी को मिली है बड़ी जिम्मेदारी, महिला एवं बाल विकास संबंधी संयुक्त समिति का बनाया गया सदस्य। अमेठी में प्रदेशी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एमएलसी दीपक सिंह का बड़ा बयान, बोले सरकार की नजर में व्यापारी मतलब चोर। औरैया दहेज के लिए नवविवाहिता हत्या, मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या किए जाने का लगाया है आरोप। बांदा में प्रकाश में आया सामने धर्मांतरण का मामला, बालिका को बहला फुसलाकर किया अपहरण, पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगा आरोप। औरैया में इको गाड़ी में सब इंस्पेक्टर की गाड़ी को मारी है टक्कर, हादसे में 4 गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांदा में मौनी बाबा धाम में प्रदर्शनी व मेले का जिलाधिकारी ने किया है निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए हैं दिशा निर्देश। औरैया में स्कूटी सवार भाई बहन से बाइक सवार लुटेरों ने की है लूट, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच में जुटी। बांदा में मानसिक स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन, सीएससी परिसर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया है उद्घाटन। बुलंदशहर में पुलिस और इनामी बरबरिया गैंग के सदस्य में मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ शातिर इनामी प्रवीण। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार का कहर जारी, आवारा गाय की से टकराई तेज रफ्तार बाइक, चालक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद के लोनी में बच्चों के गायब होने से मचा हड़कंप, पुलिस की तत्परता से मिले बच्चे। गोंडा में चोरी की घटना पर नहीं लग रहा है अंकुश, चोरी हुई बाइक के मामले को लेकर थाना प्रभारी ने पुलिस के कार्यशैली पर उठाए सवाल। गाजियाबाद में डसना जेल मैनुअल में बड़ा बदलाव, कैदी बनाएंगे जेल में बिस्किट।
हरदोई में ग्रामीणों ने आवारा पशुओं को विद्यालय में किया बंद। किसान बोले फसल की कम पैदावार से बाहर कमाने गए नौजवान। गाजियाबाद में करवा परिवार में कुत्तों को लेकर हुआ विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस ने 14 लोगों को लिया हिरासत में, की कार्रवाई। हरदोई में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से कार और बाइक के उड़े परखच्चे। बलवा कन्नौज मार्ग से बल्लावा आ रहा था डंपर। लखनऊ में लिटोरों की जगह चिन्हित कर ज्वेलर्स को बनाया निशाना। सुनसान रास्ते पर घटना को दिया अंजाम। लिटोरों की तलाश में जुटी पुलिस। हरदोई में संदिग्ध अवस्था में सफाई कर्मचारी का शव मिलने से हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मत्स्य मंत्री ने ब्राजील के उद्यमियों के सामने रखी मत्स्य विभाग की जन कल्याणकारी योजनाएं। नीली क्रांति मछुआ समाज के लिए बनी रीढ़। कानपुर देहात में कस्टोडियल डेथ का मसला रंग ले रहा है। राजनीतिक पुलिस कस्टडी में हत्या का मामला बन राजनीतिक मुद्दा। लखनऊ में पूर्व कर्मचारी के नाम सड़क का नामकरण। नगर निगम कर्मचारी संघ ने दी जानकारी। महापौर संयुक्ता भाटिया कार्यक्रम में हुई शामिल। लखीमपुर खीरी में डॉक्टर की पत्नी की बेरहमी से हत्या। शव 371 किलोमीटर दूर ठिकाने लगाया गया। फिर दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव के आवास करहल पर पहुंचे अखिलेश यादव। बोले समाजवादी पार्टी एवं व्यापारियों से घबरा गई सरकार। प्रतापगढ़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय बीजेपी पर बोला हमला। बोले सरकार के जुल्म के खिलाफ एक और लड़ाई। रायबरेली में युवती ने युवक पर लगाए गंभीर आरोप। युवक ने शादी का झांसा देकर 3 साल तक किया दुष्कर्म। गोरखपुर में बेड के नीचे मां की लाश रखकर सोता रहा बेटा। 4 दिन तक बदबू छिपाने के लिए जलाता रहा धूप बत्ती अगरबत्ती। रायबरेली में ट्रक और बाइक की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। कानपुर में ग्राम समाज की जमीन को अवैध कब्जा पर चला बाबा का बुलडोजर। 50 से अधिक अवैध बने मकानों को जिला प्रशासन ने किया चिन्हित। अमेठी में तमंचे पर डिस्को का वीडियो हुआ वायरल। बार बालाओं के साथ डांस कर रहे युवक ने तमंचे से की है फायरिंग। औरैया में फर्जी अभिलेख लगाकर नौकरी पाने वाले 2 शिक्षकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। 7 साल बाद कराई गई रिपोर्ट। बुलंदशहर में मामली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट में 8 युवक घायल। घायल सभी युवकों एक ही पक्ष से रखते थे ताल्लुक। फरुखाबाद में दबंगों ने घर से बेटी उठा ले जाने व पेट्रोल डालकर फूंकने की दी है धमकी। भय के साए में जी रहा है पीड़ित परिवार। बुलंदशहर में मंदबुद्धि युवक ने की है मासूम की गला रेतकर हत्या। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने भी आरोपी मंदबुद्धि को जमकर पीटा। लखनऊ में पुलिस की मनमानी से परेशान ई रिक्शा चालकों का प्रदर्शन। पॉलिटेक्निक चौराहे पर लगा ई रिक्शा चालकों का जमावड़ा। लखनऊ में शादी का झांसा देकर युवती के साथ किया यौन शोषण। 6 साल से प्रेम प्रसंग का जाल
बुनकर युवती को दे रहा था धोखा। रायबरेली में दबंगों ने युवती को जमकर पीटा, दबंगों द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। राजधानी लखनऊ में दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, घर में घुसकर पीड़ित परिवार को डंडों से जमकर पीटा। प्रयागराज में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को ईडी ने किया है गिरफ्तार, स्पेशल कोर्ट में हुई थी पेशी 10 दिन की रिमांड पर। गाजियाबाद में भाकियों ने डीएम दफ्तर का पर ज्ञापन सौंपा है, गन्ना रेट घोषित करने की मांग, वरना 19 दिसंबर को समितियों पर करेंगे तालाबंदी। महुआ में तालाब से मिला 7 वर्षीय बच्चे का शव, 4 घंटे से था लापता, परिजन बोले खेलते खेलते तालाब में गिर गया। गाजीपुर में ईंट मारकर युवक की हत्या, परिजनों ने लगाई गोली मारकर हत्या का आरोप, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। संत कबीर नगर के शिक्षक संघ समस्याओं पर बनाई रणनीति, कोहरे के कारण विद्यालय संचालन समय में परिवर्तन की उठाई मांग। सांसद अफजल अंसारी का बीजेपी पर तंज, बोले सिर्फ गुजरात से क्या होगा, अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू, यह छुपने वाली बात नहीं है। बलिया में पुलिस ने 105 पेटी अवैध शराब पकड़ी, 2 तस्कर गिरफ्तार, 2 तमंचे और 2 कारतूस बरामद, पिकअप सीज। मिर्जापुर में खड़े ट्रैक्टर में घुसी कार, 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर, शादी समारोह से लौटते समय हादसे का शिकार हुए जालो कार। बिजनौर में झाड़ियों में मिला नवजात का शव, झाड़ियों में शव को नोच रहे थे कुत्ते, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों, बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।